वाओ रिया ने तो आज कितना प्यारा पठानी सूट पहना है और अरे वो बहुत प्यारी लग रही है। आपको मैं डेयर देती हूँ कि आप तीन दफा टक टक करो। अरे तुम चाहती हो मैं तीन से भी ज्यादा कर सकती हूँ। ओके यार ये पहला है तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे क्या कर रही हूँ, मुझे जबरदस्ती सोनू शूट कराता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का वीलॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि सोनू गया हुआ है काम पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का वीलॉग मैं शूट करती हूँ, उसको पता भी नहीं चलेगा और मैं वीलॉग शूट करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं सोनू के साथ करूँ एक प्रैंक, ऐसा करूँगी कि जैसे मेरे मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और मैं देखती हूँ सोनू का रिएक्ट कैसे होता है, बाद में उसको बता दूंगी सारा प्रैंक। तो थोड़ी देर तक आ रहा है, मैं होगी थोड़ा थोड़ा तैयार, फिर मैं मतलब वो आता है तो फिर मैं अपना प्रैंक करती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे प्रैंक करने के लिए कितना तैयार हो रही है। खैर मैं ये प्रैंक करने के लिए तैयार नहीं हो रही, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना थोड़ी प्यारी बस में रू अफजा वो रखूंगी मैं वॉशरूम में, ठीक है वो मैं वॉशरूम में रखूंगी, फिर मैं ऐसे खांसूंगी घम घम करके, बोलूंगी सोनू मेरे गले से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, रिएक्ट चेक करेगी क्या है कि सोनू क्या नहीं कर रहा है। अभी सोनू को फोन किया है, वो बस अब थोड़ी देर में आने वाला है तो मैं अपना प्रैंक उसके साथ करूंगी। अब इंतजार कर क्योंकि मेरा मुन्ना भी सो गया है, बाबा ही नियाल है। ये मेरी प्लेट है, ये नैना की प्लेट है, ये मेरी बड़ी नंद है, चुच्चा जा रहा वो है। ये अम्मी और हमारा मतलब इस टाइम खाने का टाइम है तो हम खाना खा रहे हैं, और हमारे घर के जो आदमी है एक आ नहीं रहा है और एक घर से बाहर। अपनी तरफ कैसे बनाऊंगी, अपनी तरफ करी बैठा मैं सभी तुम लोग कहीं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब सोनू के साथ बिल्कुल भी प्रैंक नहीं करूंगी, रात के 11 बजे अभी तक घर नहीं आया। तुम रात के 11 बजे घर आ रहे हो है ना, तो ये कुछ टाइम होता है, बल्कि 11 मेरी 11:30 साढ़े 10 हो रहे हैं बेटा, मेरी तना भी अंदर नहीं हूँ मैं, 11:30 हो रहा है पता है मुझे टाइम। ये व्लॉग बनाया था कितने मिनट का, सर सच बता ना, सर सच मिनट मिनट नहीं पता, एक एक दो दो सेकंड के क्लिप होंगे पता नहीं, और पता नहीं कैसा है तो शॉर्ट व्लॉग बस। हाँ मैंने कहा था बस मैं स्टार्ट लूंगी आके आधा आप बनाएंगे। ओके डन, पहले मैं खाली मिट्टी मिट्टी हुआ हूँ, मैंने बहुत सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब मैं खाना नहीं दे रही। मेरा चुन्ना किधर है, चुन्ना नुमान भाई के पास, वहाँ पर सो रहा है या जाग रहा है पता नहीं, तो मेरे चुन्ने को ले गया पहले। पता नहीं मुझे क्यों इतनी गंदी आदत होगी, मैं हर चीज अब बिस्तर पे खाता हूँ, अल्लाह की कसम मेरे को गुनेगार हो रहा हूँ। बहुत है रायता, रायता इतना ज्यादा क्या करना है, थोड़ा सा मीठा जाए ना, फिर उसके साथ बहुत सारा माल अंदर जाता है। अभी पता नहीं तुमने पूरा दिन क्या किया फिर, मेरे को क्या क्या डालना पड़ेगा। अभी तो पहला दिन, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम क्यों तुमने ऐसा किया, पर पहला दिन है ठीक है, मैं तुम्हारा एफर्ट देखूंगा ना, मैं तुम्हारा वो थोड़ी देखूंगा कि तुमने मजा है, तुम्हें कोई क्लिप पसंद नहीं आया तुम डालोगे, नहीं मैं लाजमी डालूंगा बेशक, नहीं पसंद है तुमने मेहनत की ना यार तो मैं डालूंगा ना, अभी तुमने एफर्ट किया है मेरे को डालना तो पड़ेगा, मैं फिर भी कंट्रोल करके डालूंगा, मगर डालूंगा जरूर। तुम लोगों को कितने, मेरे ख्याल से 3 महीने से बोल रहा हूँ चने वाले चावल बना लो, मेरे ख्याल से फैमिली पूरी हो गई है ना, मायरा भी आ गई, कंप्लीट हो गई पूरी रात, जो जश्न का समा होगा हमारे घर में 4-5 बजे तक तो, हाँ नमाज के बाद। पहले तो मैं जाऊँ, मैं खुद को, मैं आज सुबह से इतना ज्यादा बाइक पे घूमा हूँ ना कि मिट्टी के ना लोथड़े ना मेरे कहाँ कहाँ घुस गए मैं बता नहीं सकता। खैर नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, फेस वॉश कर लिया वो कर लिया, अभी कपड़े इतनी उलझन दे रहे ना, मतलब वो बाबा बोले ना, सिर्फ 2 मिनट दे में कपड़े चेंज करके आऊँ क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है और वो काम लाजमी करना है, मतलब काम तो काम होता है ना, कि कपड़े चेंज करके वो करके फिर मैं आप लोगों से रब्ता करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, जब मैं बोलती हूँ तो वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ तो तैयार नहीं होते, अपनी वीडियो बनाने के लिए फौरन तैयार, तो उसमें मुझे फायदा मिल रहा, मेरे से क्या मतलब मिजी से होने तुमसे फायदा थोड़ी, अबे बीवी को शौहर को बीवी से शौहर को बीवी से क्या फायदा हो सकता है ये बताओगी पहले, तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं पूछते, मैं तुम्हें इतनी मेली लगती हूं, जबरदस्ती तुम फायदा ठोकना चाह रहे हो तुम्हारे बात, मगर कोई फायदा नहीं होता, ये देखो दस्तूर है ना, बीवी को हमेशा शौहर से बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, उसको बहुत सारी अयाशियां मिल सकती हैं, बहुत सारा फ्रीडम मिल सकता है, बहुत सारी आजादी मिल सकती है, और तुम इन दोनों तीनों चीजों में मुझे कुछ भी नहीं देते हो, इसलिए तो देखो ना पागल अल्लाह हमसे बहुत राजी है। पूछ क्यों, क्यों मुझे समझ आ गई, किस चीज की, पूरी गेम समझ आ गई, किसकी गेम, गेम है उस चीज की कि जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो ना, हाँ। तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, तो मैं सुना हुआ है, तो वही कह रहा हूँ ना,
इसलिए कहता हूँ कि बस वक्त का पहिया चलता है, दिल थमता है रात। वैसे पागल हो चुके बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं। चुन्ना कितनी देर से सोया हुआ है? अपने चुन्ना, अबे मेरे चुन्ने को ये, इसको पंजा लगा है ना, मेरे चुन्ने को इधर किसी ने पंजा मारा। ये तहकीकात करनी पड़ेगी कि भाई इसने पंजा खुद को खुद मारा या किसी और ने मारा, और किसी और ने मारा तो हमें क्यों नहीं पता चला, और जब हमें नहीं पता चला तो क्या पता इसने खुद मारा। यार पता है सीन क्या है इसका, व्लॉग मेरे को नहीं पता कैसा था, बस जैसा भी था देख लेना मज़ा आएगा। वो एडिट करूँगा तो उसके बाद ही पता चलेगा, अच्छे से एडिट करूँगा तो अच्छा लगेगा। जब मैंने थोड़े क्लिप्स देखे ना तो यार मतलब देखो साफ आते तुम लोगों को हंसी आएगी या तुम लोगों को लगेगा कि आज, मगर मैं उसके पीछे उसका एफर्ट देख रहा हूँ कि चलो उसने कुछ स्टार्ट तो लिया। ये है क्योंकि मेरे को बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो थोड़ी जैसी ना इस चीज़ से भागती नहीं थी, मतलब उसको ना शर्म आती थी। तो अच्छा है थोड़ा, देखो ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ करे, थोड़ा बहुत साथ मिल जाता है क्योंकि मैं सुबह से निकला होता हूँ, मैं थक जाता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से साफ आते हैं कुछ, मतलब इतने खास काम नहीं रहे, भी बहुत सारे काम एक साथ आ गए तो इसलिए कामों में लगता हूँ। तो मतलब हिम्मत फिर भी कोशिश करता हूँ कि यार मैं अपना जब तक हो सके, क्या पता किसी दिन हो सकता है, 365 दिन का मैंने चैलेंज लिया कि आप बता ख़त्म हो सकता है, मगर मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ और मैं अपनी एंड तक कोशिश करूँगा कि मैं इसको ना ख़त्म होने दूँ। मैंने जो एक चैलेंज खुद से लिया है मैं उसको पूरा करूँ क्योंकि वो मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, सबके फ्यूचर के लिए अच्छा है। सो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। सबसे बड़ी बात, मैं ना अपनी फैमिली के साथ इतना व्लॉग बना ही नहीं पाता यार, मेरे से एडिट ही नहीं होता यार, सबका मुँह छुपा के, इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। बैठूंगा 12 बज रहे, नहीं मैं नहीं जा रहा, कल जाएंगे, बोलो जिधर भी जाना कल जाएंगे। मैं जो सुबह से इतना थका हुआ हूँ वो अभी मैं, अभी मेरे को पता चल गया है कि तुमने वो करना है, मेरे से सही बोली एक्टिंग नहीं होगी, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ। मेरे क्लिप क्यों देखे सोनू? अब देखो अगर अब मैं करूंगा तो फिर वो एक्टिंग हो जाएगी, अब तो पहले अभी नहीं बताया, अब मैं देख के करूंगा ना, मतलब मेरे को पता है कि मुझे एक्टिंग करनी है तो कह रहे हम फिर किसी और दिन प्लान कर लेना, तुम मुझे प्रैंक कर लेना, सारा प्रैंक खाना खराब कर दिया। अबे तुम्हारा बहुत हल्का प्रैंक होगा मुझे लग रहा है, मेरे को पता चल जाएगा या कुछ ऐसा सीन होगा, वो वाला प्रैंक नहीं कर सकती जो मैं करता हूँ। मैंने इसका प्रैंक का भी सही, अभी पता है सीन क्या है यार, मैं बना तो लूँ, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ ब्लॉग, मगर सीन ऐसा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी है, सोना भी है, सुबह जल्दी भी उठना है और बहुत टाइम लेट हो गया है, मैं अभी थोड़ी देर जाग रहा हूँ तो इसलिए मैं चाह रहा था मैं थोड़ी देर और ब्लॉग बनाऊँ, मगर सीन ऐसा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी है और थोड़ा जैसा और भी काम करना है और इनके साथ भी बैठना है तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मेरा सांस रुक गया है यार। सो इसलिए मुझे दें आप लोग इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फिवाल्ला, लव यू ऑल।